नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे सरकारी जमीन को लेकर। बिहार में इन दिनों भूमि सर्वेक्षण का काम जारी है। ऐसे में बिहार के कई जिलों में सर्वे का कार्य चल रहा है, तो कई जिलों में कई स्थानों पर जो है सर्वे का कार्य जो हो चुका है, लेकिन कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे आज भी सर्वे का काम किया जा रहा है, जिससे कि आम लोगों के ज़मीन को आसानी से उन तक पहुँचाया जा सके। यानी कि जो ज़मीनें कब्जा कर ली गई हैं या फिर जो ज़मीनें सरकार की है उस पर किसी का कब्जा है, तो रैयत या फिर सरकारी, जिसे कि हम गैर मजरूआ ज़मीन कहते हैं, उसकी पहचान की जा सके और उसे वहाँ तक पहुँचाया जा सके। बता दें कि इन दिनों बिहार में अवैध कब्जा के मामले में जो है बिहार सरकार लगातार एक्टिव है और उसे मुक्त कराने की बात कह रही है, लेकिन इस बार के सर्वे में यह भी कहा गया है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को जमीन सर्वे में राहत देने की बात कही गई है। बिहार में जमीन को लेकर यह भी कहा गया है कि अगर किसी भी सरकारी ज़मीन पर अगर अनुसूचित जाति या फिर जनजाति के लोग रह रहे हैं तो उन्हें उस ज़मीन से बेदखल नहीं किया जाए। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि इसमें भले ही वैध तरीके से उनके पास कागजात नहीं हो, उसके बावजूद भी उन्हें उस ज़मीन से नहीं हटाया जा सकता। बता दें कि बिहार में भूमि सर्वे को लेकर एक मार्गदर्शिका का जिक्र किया गया है, जिसमें सर्वे कर्मियों को यह कहा गया है कि अगर गैर मजरूआ ज़मीन पर कानूनी तौर पर अगर बंदोबस्ती नहीं किया गया है, लेकिन उस ज़मीन पर कोई भी एससी एसटी का व्यक्ति लंबे समय से रह रहा है, तो उसको अब रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। इसके बाद उस ज़मीन और उस पर बने मकान को लेकर जमीन सर्वेयर सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पास जाएंगे। साथ ही सरकार की तरफ से जारी इस नियम में यह भी कहा गया है कि विभाग की तरफ से यह कोशिश होगी कि जो व्यक्ति इस ज़मीन पर मकान बनाकर रह रहा है उसे उस ज़मीन से बाहर नहीं किया जाएगा। बता दें कि विभाग के पास इस तरह के कई शिकायतें लगातार सामने आ रही थी, जिसमें यह कहा जा रहा था कि गैर मजरूआ ज़मीन पर अनुसूचित जाति के लोग रह रहे हैं, वे इस ज़मीन पर अपना कानूनी अधिकार मांग रहे थे। अब विभाग ने इस तरफ जो है एक तरह से कहने की बड़ी पहल की है। बता दें कि बिहार सरकार ने पहले ही यह फैसला किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश में जितने भूमिहीन लोग हैं उन्हें ज़मीन मुहैया कराई जाएगी। वर्तमान की सरकार की तरफ से भूमिहीनों को 3 डिसमिल ज़मीन देने की बात कही गई है। ऐसे में बिहार सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से बिहार में ज़मीन सर्वे का कार्य जारी है उसमें कई गैर मजरूआ ज़मीन निकल कर सामने आएगा, जिसके बाद से अब सरकार का यह फैसला करना है कि किसको यह गैर मजरूआ ज़मीन देना है। आपको बता दें कि सरकार जिस व्यक्ति को यह ज़मीन देगी उसे बास गीत के नाम से पर्चा दिया जाएगा। सरकार की तरफ से जब यह पर्चा दिया जाता है उसके आधार पर स्वामित्व में बदलाव होता है। जमाबंदी में पर्चाधारी का नाम दर्ज होता है, लेकिन उसमें यह भी कहा गया है कि उसमें मूल भूस्वामी का नाम दर्ज रहेगा। विभाग की तरफ से जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि जमीन सर्वे के दौरान इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि खतियान में बासगीत पर्चाधारी का नाम जरूर दर्ज किया जाए। आपको बता दें कि बिहार में जारी जमीन सर्वे के कार्य में बिहार सरकार यह चाह रही है कि रैयत की ज़मीन के साथ साथ गैर मजरूआ ज़मीन की भी पहचान की जा सके, जिससे कि बिहार सरकार भूमिहीन लोगों को ज़मीन मुहैया करा सके। लेकिन अब जो नए नियम सामने आए हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि जो भी अनुसूचित जाति या फिर जनजाति के लोग हैं वे अगर सरकारी ज़मीन पर घर बना रहे हैं तो उनसे यह ज़मीन नहीं छीना जाएगा। हालांकि विभाग ने इसको भी सर्वे में मकान मालिक के नाम के साथ जोड़ने का जिक्र किया है। तो ऐसे में एक तरह से कह लें कि ऐसे में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग जो गैर मजरूआ ज़मीन पर रह रहे हैं उन्हें जो है वहाँ से हटाया जाने की बात जो है लंबे समय से लड़ाई चलती रही है। एक तरह से कह लें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सीताराम मांझी लगातार इस बात की लड़ाई लड़ते रहे और वो कहते रहे हैं कि ऐसे में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनको वहाँ से हटाया जा रहा है, लेकिन अब जो है बिहार सरकार ने इसको लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।